वीडियो शुरू करने से पहले यार बता दूं कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी करके रखा है या फिर अभी करने वाले हो तो मेक श्योर यार सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन होते हैं ना ऑल पे कर लेना, क्योंकि पर्सनलाइज पे रखोगे तो नोटिफिकेशन देगा नहीं। अभी यूट्यूब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर रखना। हाय दोस्तों, मैं देवर, आप सभी का माइनक्राफ्ट की न्यू वीडियो में स्वागत है। तो वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक लाइक कर देना और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो। कहानी ख़त्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। तो बिना टाइम पास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए एक नया मैप लेके आया हूं स्काई ब्लॉक में, बहुत ही ओपी मैप है और बहुत सारे आइलैंड है इसमें, बहुत ही ओपी होने वाली है ये सीरीज। अभी नाइट हो रही है तो आपको साफ नहीं दिखेंगे, बट यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड आप देख सकते हो। ये लावा का आइलैंड है, इधर ओशन मॉन्यूमेंट भी है, ऊपर बहुत सारे आइलैंड है, कम से कम 30 से 40 आइलैंड है छोटे छोटे, और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल भी हैं। तो आज मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि वो सीरीज बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल के फॉर्मेट लग गया था गलती से। तो सब कुछ डिलीट हो गया है, फाइनली कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे को दोबारा स्टार्ट करनी पड़ रही है। तो अब आज से ही स्टार्ट करूँगा। तो अभी निकालते हैं थोड़ा बहुत, कुछ पेड़ को कट करते हैं, फिर कुछ बनाते हैं, फिर इन आइलैंड पे जाएंगे। आज तो ज़्यादा नहीं, बस एक यहाँ पे एक घर है, उस घर पे बेड है, वहाँ पे जाना है। तो जल्दी से बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल, इसको रख देते हैं यहाँ पे। ये 2 शिप मेरे को यहीं मिलती थी। तो हम क्या बनाएंगे, स्टिक बना के एक पिकक्स बना लेते हैं। और मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसलिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी और फॉर्मेट लग गया था, इसलिए सारी चीज़ें कवर करने में टाइम लग रहा था, कि सारी चीज़ें वापस लेके आनी पड़ रही थी और कुछ भी नहीं बचा था फाइनली। तो ये अभी थोड़ी बहुत सीड मिल रहे थे, ये मेरे यहाँ पे थोड़ी घास उगी थी, उनको थोड़ा थोड़ा जब मिला था। तो हम इसका लिंक चाहिए, एपीके है, एपीके का मैं लिंक नीचे दे दूँगा और आपको सर्च करना है, सर्च करके डाउनलोड कर लेना है, उसका नाम भी नीचे दे दूँगा, नाम मुझे पता नहीं अभी। तो जल्दी से ये निकाल लेते हैं कॉल, फिर जे टॉर्च बनाएं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। जल्दी से लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं, 4-5 कॉल है, बहुत ही ओपी मैप है, मेरे को तो ये अच्छा लगा इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको खेलना है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी 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 फाइनली निकाल लें, सुबह भी होने वाली है। तो टॉर्च बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप देख सकते हो कितने सारे आइलैंड है। ओपी मैप है सबसे, माइनक्राफ्ट स्काई ब्लॉक का ओपी, सबसे ओपी मैप है। अभी तो नेदर में जाना बाकी है, नेदर में तो पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है। तो एक ये इसके ऊपर लगा देते हैं क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर, मतलब यहाँ पे रोशनी कर देते हैं अच्छी खासी कि मॉब्स स्पॉन ना हो। बहुत ही ओपी चीज़ें है इसमें यार, मतलब देख के फैन हो गए स्काई ब्लॉक में ये चीज़ें। चलते हैं कौन से आइलैंड पे चलेंगे सबसे पहले, सबसे पहले देखते हैं। मेरे को यहाँ पे एक विलेजर, हाँ ये विलेजर वाला दिखा था, इसके ऊपर जाना है। इसके लिए पहले ये डस्ट वाले पे, सैंड वाले पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से शॉर्टकट पड़ेगा, नहीं यहाँ से बहुत ज़्यादा। ये नीचे से अपन निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोबा स्टोर है नीचे, यहाँ पे ओ भाई साहब गोल्ड, याहू याहू पैसा, मतलब डायमंड भी ऐसे मिल लेंगे अपने को, लैपिस ले चालू वो भी स्काई ब्लॉक में, नहीं तो क्रिएटिव में से निकालने पड़ते हैं वापस सब भर भर के। अरे साली सिप यहाँ पे क्यों आ रही है तू, तो जल्दी, अरे यार इधर ही देखते हैं कितना सारा गोल्ड है भाई साहब, 6-7 ब्लॉक होने चाहिए। ये डस्ट को तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा पहले, फिर नीचे से पूरे को माइन करूँगा। बहुत ही ओपी होने वाला है यार, बहुत ही ओपी ओपी चीज़ें हैं नीचे। तो जल्दी स्लैब में आगे चलते हैं एक बार, तो जितना लगता है इस सैंड वाले पे चलते हैं। तो जितने स्लैब बने अब चलते हैं उनके पास। तो यार ये बेम्बू वाले पे शायद मेरे को पांडा दिख रहा है, पता नहीं पांडा हो तो बहुत ही ओपी चीज़ हो जाए, पर 2 पांडे होंगे जब भी उनकी ब्रीडिंग हो पाएगी, उनकी मतलब बना पाऊँगा तो स्पॉन हो जाएगा शायद। तो जब तक देखते हैं आप, चलते हैं जितने स्लैब हैं मेरे पास, ये सिंगल लाइन ही लेके जाऊँगा क्योंकि डबल जितने मेरे पास है नहीं अभी,
सिंगल ले चलते हैं, जितने भी हैं उतने ले चलता हूँ, फिर और निकालने आऊँगा। और गोल्ड मैं इसलिए नहीं निकाला क्योंकि अभी मेरे पास आयरन की वो नहीं है, आयरन की पिकक्स नहीं है। आयरन पिकक्स में ना मैं निकालूंगा वो गायब हो जाएंगे, मिलेंगे साथ में, इसलिए अभी नहीं निकाल सकता। इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं आइलैंड पे। इन सभी आइलैंड पे मतलब मेरे को खुदाई करनी पड़ेगी, माइनिंग करनी पड़ेगी, तो मुझे आयरन मिलेगा शायद। अब कंफर्म नहीं बोल सकता किस पे मिलेगा, कैसे बनाना है मुझे भी नहीं पता, बट अगर आपको खेला हुआ है ये तो आप मुझे कमेंट कर देना कि कैसे खेलना है, क्या करना है इसको मेरे को भी। तो अभी और कोबा स्टोन निकालते हैं, फिर स्लैब बना के चलते हैं। यार भर भर के इस पर गोल्ड भरा हुआ है, देख यार पाँच पाँच, अगले बंदे जिसने भी बनाया है वो उसने अनलिमिटेड गोल्ड इसमें डाल दिए हैं एक साथ ही। लैपिस लजेलो भी बहुत सारे हैं। अब पर से डस्ट नहीं निकालने वाला क्योंकि वहाँ पे स्पॉन होंगे एनिमल, स्पॉन होंगे बहुत सारे। अब मेरे को पता नहीं कि कितने ब्लॉक की ये है कि मैं उतने ब्लॉक नीचे जा सकूं, बट अगर मैं गया तो मेरी सारी चीज़ें नीचे गिर जाएंगी। और मेरे पास अभी ट्री कट करूँगा, अभी नहीं करूँगा, पहले मैं किसी आइलैंड पे जाने वाला हूँ तो अभी बंद कर देता हूँ, नहीं तो सीप अंदर पड़ जाएगी। तो चलते हैं जल्दी, अब बना लेते हैं इनके स्लैब जल्दी जल्दी। 36 शायद पहुँच जाऊँगा, 36 पे पक्का तो नहीं कह सकता था कि 36 वहाँ तक लग जाएंगे। तो चलते हैं हम जल्दी जल्दी फास्ट, एकदम फास्ट। आप भी बताना कि आपको कैसा लगा है मैप, बहुत ही ओपी है। और ऊपर ऊपर जो ऊपर 10-15 आइलैंड है वो बहुत ओपी लगे, नॉट बैड। देखो उन तक जाने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो सामने भी देख सकते हो कि छोटा सा आइलैंड है, आगे बहुत सारे आइलैंड होने वाले हैं शायद, पता नहीं अभी तो मैंने देखा भी नहीं है, बट एक दूसरा मैप बनाकर क्रिएटिव में जाके देखूंगा, अभी तक मैंने कोई भी ट्राई नहीं किया ऐसा। तो हम जल्दी से चलते हैं, इनको इसके ऊपर से उस साइड वाले पे जाना है, तो स्लैब और लेके आने पड़ेंगे यार, इतने मेरे पास पूरा खाली हो जाएगा, कहाँ से लाऊंगा इतने सारे स्लैब। तो अब देखते हैं यार, यहाँ पे स्पॉनर भी है, पता नहीं किस चीज़ का है, आप देख के बताने किसका स्पॉनर है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे देखना भी नहीं आता इनका, एक काम भी नहीं कर रहा पता नहीं कैसे। नाइट में भी मैंने एक बार नाइट में भी यहाँ पे कोई स्पॉन नहीं हुआ। तो मुझे उधर जाना है उस सामने के वाले में, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे विलेजर दिख रहे हैं, तो उनसे ट्रेंडिंग भी ट्रेड भी करूँगा, बट अभी तो जाने के लिए कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा क्योंकि अभी सामान नहीं है, वहाँ पे ख़त्म होने वाला है, पूरे को मैंने नीचे से खोद लिया है। तो जल्दी चलते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो बताने में किस आइलैंड पे जाऊँ सबसे पहले इसके बाद में। तो ये सिर्फ अंदर ना आ जाए यार, फिर निकलेंगी नहीं है। यहाँ पे मैं अपना सीक्रेट बेस बना सकता हूँ वैसे रहने के लिए, इस पूरे बेस को मैं बड़ा करने वाला हूँ, बट अभी कोबा स्टोन जनरेटर बनाना पड़ेगा। जनरेटर के लिए तो चाहिए वाटर बकेट, चाहिए ओनली बकेट, और तो मैं सब चीज़ें हैं यहाँ पे, लावा भी है सब कुछ है, बट मेरे को बकेट कहाँ से लाऊँ, बकेट के लिए आयरन चाहिए, आयरन अभी है नहीं। तो जल्दी जल्दी कोबा स्टोन निकालते हैं, पानी ना आ जाए यार इधर, तो निकालते हैं जल्दी। बकेट के लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा, आप बताओ कि कहाँ क्या करूँ, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा अभी, मैंने खुद ने पहली बार खेल रहा हूँ ये मैप, नहीं तो वो आइलैंड, दो आइलैंड होते हैं या मतलब तीन चार आइलैंड वाला, जो मेरी आपने से पिछली वीडियो देखी होगी तो वो देखी होगी, बट मुझे पता नहीं कैसे लाऊँ आयरन। गोल्ड तो मिल गया बट आयरन देखते ढूंढता हूँ। तो नीचे नहीं, हाँ नीचे तो खोल सकता हूँ शायद, तो यहाँ से निकाल लेते हैं जल्दी, जितने स्लैब होते हैं बना लेते हैं फिर चलते हैं। तो विलेजर, इस वीडियो में विलेजर के पास जाने वाला हूँ, और बस ये अगले वीडियो में इस बेस को थोड़ा बड़ा करूँगा और दूसरे आइलैंड पे जाऊँगा। तो आप सबसे पहले कौन से आइलैंड पे जाऊँ ये कमेंट करके बताना कि सबसे पहले कौन से बताना अच्छा रहेगा आपके हिसाब से चलने वाला। तो अब चलते हैं जल्दी, तो देखते हैं स्लैब बना लेते हैं इनके जल्दी, कितने बनेंगे, 38 शायद पहुँच जाऊँगा 38 में, और नहीं बनाने पड़ेंगे शायद, एक दो कम पड़ सकता है शायद। ऐसे ऐसे देखते हैं, जब तो एकदम फास्ट लगता है जैसे कि 5-6 ब्लॉक में पहुंच जाएंगे, बट जब कोबा स्टोन लगाने लगते हैं ना स्लैब, तब पता चलता है कि इतनी मेहनत हुई, पता नहीं ये भी कम पड़ रहा है। तो यार ये तो घटे हैं यार, डैमेज मिला। तो अब चलिए चलते हैं नीचे, लगाते हैं सेकंड पे, नीचे की सेकंड पे की स्पॉन ना हो।
अभी तक मैंने कोई मॉब्स तो देखा नहीं है यहाँ पे अभी तक तो फिलहाल। मेरे को कम से कम 10-15 मिनट तो मैंने ऐसे देखा है, इसको खेला है मतलब, फिर जाके मैंने स्टार्ट किया है वीडियो रिकॉर्डिंग। तो अभी तक तो मेरे को कोई मतलब ज़ॉम्बी दिखा नहीं है, और अब चलते हैं जल्दी, कम ही पड़ेंगे शायद। मेरे पास देखो 10:09, थोड़े से और अभी भी बहुत दूर है अभी ये, तो देखते हैं जल्दी चलते हैं जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा कि मेरे अलावा भी इस आइलैंड पे मतलब यहाँ पे है कोई मैप में, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। बट अच्छा मैप है वैसा, तो अब इसको तोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर ना आ जाए, बाहर आ जाएंगे तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, सारे नीचे गिर जाएंगे, फिर इनकी ब्रीडिंग भी नहीं करा पाएंगे। तो बेबी भी है यहाँ पे, ये पता नहीं क्या है, ये फ्रूट भी उगा रखे हैं, इन्हें फार्मिंग कर रखी है। तो अब जल्दी चलते हैं, ये उगा देते हैं वापस, बीट रूट है, पता नहीं क्या काम आती है, बट चलते हैं। तो ये देखते हैं अंदर क्या क्या, अंदर बेड लगा हुआ है, और ये एक लाइब्रेरी वाले, ये है ऊपर छत है, ये क्राफ्टिंग टेबल है, और इनके पास चेस्ट तो है नहीं, तो सामान कहाँ से रखेंगे। तो देखते हैं चेस्ट बना के दूंगा या नहीं, बट अभी तो दूसरे कोई ट्री तो लेके आऊँ, पहले ट्री उगाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब देख सकते हो क्या क्या उगा हुआ है, और वो दिखाता हूँ ऊपर वाले, काऊ भी है यहाँ पे, वाह यार बहुत ओपी बनाया है बनाने वाले ने, पांडा भी, वो देख सकते हो, वहाँ पे जाना है मुझे, वो देख सकते हो कितने सारे वहाँ पे आइलैंड है ऊपर की साइड आसमान में, वो थोड़ी ऊपर की साइड है इसलिए बहुत सारे कोबालस्टोन, पहले जनरेटर बनाऊंगा फिर सबसे पहले वहीं जाऊंगा। मेरे को ये सबसे अच्छा लगा इस आइलैंड में, कि इस मैप में कि वो ऊपर बहुत सारे आइलैंड है, ओपी ओपी आइलैंड है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ही ओपी होने वाला है। तो ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, और इन ट्रेंड देखते हैं, ये एमलेंट दे रहा है मेरे को, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पहले मॉब्स तो आए, मॉब्स को मारेंगे जब भी तो मिलेगा, ये गोल्ड में भी दे रहा है ये एमलेंट, वो दूसरा वाला कहाँ पे गया, ये क्या दे रहा है, ये फार्मर है, ये तो वही दे रहा है शायद, ये वही है। तो दूसरे वाला देखते हैं क्या दे रहा है, शायद वो बुक दे रहा है, पता नहीं किस चीज़ की, बट देखनी पड़ेगी। तो दूसरे वाला वाइट वाले को देखना है, वाइट वाला यार वो ही बीच में आ गया, वाइट वाले को देखना था कि वो क्या दे रहा है यार, ये तो इन्फिनिटी फर्स्ट की, वाओ हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए, ओ भाई साहब वो भी इन्फिनिटी फर्स्ट। सो भाई साहब बहुत ही ओपी चीज़ है, एम्ब्रॉयड चाहिए, एक बुक चाहिए, तो बुक के लिए तो मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो अब मैं ये सो जाता हूँ मैं एक बार, तो फिर अपने आइलैंड पे चलता हूँ मेन बेस पे, फिर यहीं पे वीडियो एंड करने वाला हूँ, क्योंकि दो आइलैंड मैंने अभी कर लिए हैं फाइंड, बहुत ही ओपी है ये। तो अब चलते हैं यहाँ से, तोड़ना कि निकल ना जाए, तो एक बार इन्हें जाने देते हैं, फिर यहाँ से तोड़ता हूँ मैं, पहले तोड़ते हैं फिर इधर से जल्दी से मैं लगा दूँगा कि इधर ना आ जाए, नहीं तो नीचे गिर जाएंगे। तो अब जल्दी से तोड़ने की कोशिश करते हैं इन्हें जल्दी जल्दी, फिर चलते हैं यहाँ से अपने मेन आइलैंड पे जल्दी, इस क्राउच हो जा क्राउच यहाँ मैं जाना भाई प्लीज कोई। तो अब जल्दी से चलते हैं अपने मेन आइलैंड पे, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इन आइलैंड पे जाने वाला हूँ, बहुत सारे ओपी हैं, तो एक बंदे को शाउट आउट भी देना है, उस बंदे का नाम है हाइड्रिला गेमिंग, उसका चैनल है, तो नीचे चेकआउट कर लेना, लिंक दे दिया मैंने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे शाउट आउट दूंगा वीडियो के एंड में सभी को, तो नीचे कमेंट कर देना इसको मिला है आपको भी मिलेगा शाउट आउट, सभी को मिलेगा। और फाइनली मेरे 7K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी सपोर्ट के लिए थैंक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बता देना कि सबसे पहले कौन से आइलैंड पर जाना है। तो मिलते हैं, जब तक बाय, टाटा बाय। लाइक वीडियो, कमेंट वीडियो, शेयर वीडियो। कभी आते जाते रास्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में।